सर्दी जैसे जैसे शदीद होती जा रही है, मेरी प्लांट की शॉपिंग भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। मैंने ये पार्सल जो है मंगवाना तो नहीं था प्लांट्स का, लेकिन मुझे ऑनलाइन कुछ ऐसे सकुलेंट्स नज़र आए जो मेरे पास नहीं थे, और मैं चाह रहा था एक दफ़ा इनको ज़रूर मंगवाऊँ। तो मैंने ये कुछ सकुलेंट्स मंगवाए थे, तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग और रीपॉटिंग जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं कि पैकेज के अंदर हमें क्या क्या रिसीव हुआ, किस हालत में रिसीव हुआ है, क्योंकि ये पैकेज जो है मुझे तकरीबन 7 दिन के बाद मिला है। क्वेटा से मैंने ये मंगवाया है और गुजरांवाला तक आने में इसको तकरीबन 7 दिन लगे हैं। पैकेज की अब मैं देखूँ अगर हालत, तो पैकिंग तो बहुत अच्छी की है मैंने इनसे पहले भी काफ़ी दफ़ा, बल्कि हर 2-3 माह बाद कुछ ना कुछ इनसे मंगवाता रहता हूँ। तो उस हिसाब से पैकिंग में देखूँ तो इनकी एज यूजल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन पैकेज इस दफ़ा सबसे ज़्यादा लेट हुआ है। उस वजह से मुझे लगता नहीं है प्लांट्स कुछ बहुत अच्छी हालत में होंगे, लेकिन चूंकि ये सकुलेंट्स हैं तो हो भी सकता है कुछ अच्छा आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर है ये एक सकुलेंट था, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, स्प्लिट स्टोन्स की तरह का था, ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये बहुत अच्छी हालत में मुझे अभी भी लग रहा है। नेक्स्ट ये देखते हैं क्या है, ये है स्प्रिंग टाइम, इसका नाम है स्प्रिंग टाइम। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट सेंड किया है, वो कहते हैं मैं आपको गिफ्ट ही सेंड कर देता, तो मेरे पास ऑलरेडी है, पर ये ज़्यादा जो है अच्छा बना हुआ है, इस पर भी फ्लावर्स आएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा तब की भी। ये भी मुझे कुछ गिफ्ट ही लग रहा है आया हुआ, ये कुछ ये स्ट्रिंग ऑफ बटन्स की तरह का कुछ है, ये भी गिफ्ट के तौर पर ही उन्होंने शायद भेज दिया मुझे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये चेक करते हैं क्या है, ये भी एक वेलवेट ही मेरे ख्याल में सीडम की कोई वैरायटी है, इसकी वेलवेट के ऊपर से स्किन है। नेक्स्ट जो है ये चेक करते हैं क्या है, ये पोलका डॉट मैंने मंगवाया था, कोई इतनी अच्छी हालत तो नहीं लग रही मुझे इसकी, लेकिन उम्मीद तो है ये चल जाएगा क्योंकि अभी डेड नहीं लग रहा। तो इसको मैं तो सबसे पहले लगाऊंगा, मैं भी इसकी मैं वीडियो शेयर ना कर सकूं रिपोर्टिंग, क्योंकि इसको मैं अभी लगाऊंगा, बाकी की रिपोर्टिंग जो है मैं सुबह कर मतलब अगले दिन करूंगा, तो ये रिपोर्टिंग ही दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो है ये हुडिया है, ये मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा मंगवाया है लेकिन वो ख़राब हो जाता है, ये तीसरी दफ़ा मैंने अब ये मंगवाया है ये हुडिया जो है, तो इसको भी मैं अभी लगा दूंगा, लेकिन वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा ताकि ये इस दफ़ा डेड ना हो। ये उन्होंने मुझे रोटेड वैरायटी भेजी है। अभी लास्ट पॉट जो है मेरी शॉपिंग का, उसको हम ओपन कर लेते हैं। पैकिंग तो उनकी बहुत अच्छी होती है हर दफ़ा ही, और ये शायद पैकिंग अच्छी होने की वजह से ही जो है ये पॉट्स जो हैं बहुत अच्छे से और सेफली मतलब प्लांट्स आ गए हैं। ये एक उन्होंने पॉटेड भेजा है प्लांट, ये वाला, ये जो है ये बहुत देर से मेरा दिल था, ये प्लांट पहले ही मैंने एक दफ़ा लिया था लेकिन ये मेरा डैमेज आया था, पहले ही मैंने एक दफ़े प्लांट लिया था लेकिन ये डैमेज आया था तो सर्वाइव नहीं कर सका था। इस दफ़ा फिर ये पॉटेड उन्होंने भेजा है ताकि ये बच जाए। तो ये देखिए इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे, तो मैं आपको तो शेयर करूँगा इसकी भी हालत। वैसे तो बिल्कुल ठीक ही लग रही है, लग नहीं रहा कि 7 डेज पैकिंग में भी रहा है और इतनी दूर से ट्रैवल करके आया है, सर्दियों का ये फ़ायदा ज़रूर होता है। तो ये मेरी कुछ प्लांट्स की शॉपिंग है जो मैंने अभी की थी छोटी थी, आपके साथ अब इनकी रिपोर्टिंग भी शेयर करूँगा।